हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे कि इंटरनली आपका जो भी बिहेवियर होगा उसको हम इंटरनली सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि हम एक्सटर्नली उसमें कुछ ऐसा मिक्स करेंगे सेमीकंडक्टर में जिसके कारण उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आपको सिंपल सा कोई भी एक प्योरली सेमीकंडक्टर ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास में तीन प्योरली सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो है सिलिकॉन, तो हम लोग भी सिलिकॉन को यूज करेंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो एक लैटिस स्ट्रक्चर, क्या बोल सकते हैं इसको, लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में एड रहता है और कोवेलेंट बॉन्ड इसमें लगता है। देखिए किस टाइप से है, बहुत सिंपल सा है। पहले तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये है आपका सिलिकॉन, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट में दो, सेकंड में आपके रहेंगे आठ, ठीक है, और लास्ट वाले में रहेंगे आपके चार, क्योंकि इसका एटमिक नंबर 14 होता है, प्लस 14। ठीक है, अब दो, आठ और ये चार, तो मतलब ये वाले आपके जो है वो वेकेंट है इस जगह में, मतलब इस जगह में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और आ सकते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके इस सिलिकॉन को स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो अब ये सिलिकॉन अकेला है। अब इस सिलिकॉन को एक लैटिस स्ट्रक्चर में बना के देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं यहां बनाता हूं आपके लिए। ये है आपका सिलिकॉन, और मैं सबसे आउटर वाला पार्ट का ऑर्बिट बना रहा हूं, एक, ये आपका हो गया सिलिकॉन, और ये बना दूसरा, ये बना तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस टाइप से आपको बनाना है। देखिए ओके, तो दिस इज लैटिस स्ट्रक्चर या इसको कोवेलेंट बॉन्ड। अभी देखिए इसमें कैसे बनता है, सब के सब सिलिकॉन है ओके। तो हर किसी के पास में चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस सिलिकॉन के पास में चार, एक यहां ले लीजिए, दो, तीन, और ये चार हो गए। ठीक है, फिर इस सिलिकॉन के पास भी चार है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, फिर यहां पास में इसके पास भी चार है, तो इसका चार, एक, दो, तीन, चार, इसके पास भी चार है, तो एक, दो, तीन, चार, इसके पास भी चार है, तो एक, दो, तीन, चार, इसके पास भी चार है, तो एक, दो, तीन, चार, इसके पास चार है, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ शेयर करेगा। फिर इसके पास भी चार है, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इधर, इसके पास भी चार है, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये और ये, ऐसे ये लैटिस स्ट्रक्चर काम करता है। देखिए हर कोई एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ये देखिए, ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला इसके साथ शेयर कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितने शेयरिंग आए, टोटल दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आए, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहा है, और इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से जुड़ेगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं
लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब देखिए इंट्रिंसिक क्यों बोला जाता है इसको, इंट्रिंसिक इसलिए बोला जाता है कि जब इस सिलिकॉन को, प्योरली सिलिकॉन है, जब इसको हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, ठीक है। फिर समझिए, जब हम इसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आएगा, सो दे एक्वायर्ड द एनर्जी, ये अपने अपने को एनर्जी लेगा और यहां से फ्री होने की कोशिश करेगा, फ्री बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही है आपका इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिस तरीके से ये आपका हीट एनर्जी लेगा। तो देखिए ये किस टाइप से मूवमेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा बेटर व्यू होगा। तो इस टाइप से आप सेमी, आपका जो सिलिकॉन है इस टाइप का आप बना दीजिएगा सिंगल लैटिस पे, मतलब कि एक ही साइड में आपका लैटिस चल रहा है, ठीक है। अभी देख लीजिए क्या है, यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा यहां से, या कहीं से भी आप दे दीजिए, बस इनको हीट एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। अब जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुआ तो ये अपनी जगह को छोड़ देगा, ठीक है। तो जब ये अपनी जगह को छोड़ेगा तो ये खाली हो जाएगा, और जब ये खाली हो जाता है तो इसको बोलते हैं होल, ठीक है। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये खाली जगह है, बस इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हो गया है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होगा तो ये यहां पास में जगह छोड़ेगा और इस जगह को बोलेंगे होल। देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहां से जगह छोड़ा, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये होल बन गया है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा अपने आप को छोड़ने की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप मारा इस खाली जगह में और ये होल भर गया और ये बन गया होल। तो होल की शिफ्टिंग इस साइड में हम मान लेते हैं, ये खाली हुआ तो ये होल बन गया, पहले ये होल था अब ये बना। अब देखिए ये खाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारा, अब ये खाली है तो ये होल इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप मारा, ये होल इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप और ये होल इधर चला गया, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको हम होल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इस टाइप से मूवमेंट लेता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट किस साइड मूव हो रहा है, इस साइड मूव हो रहा है। अब होल करंट की बात करते हैं, तो होल करंट किस साइड मूव हो रहा है, आपका जो होल करंट है वो इस साइड मूव हो रहा है और इसको बोलेंगे होल करंट। बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो इसको समझने का एक और भी तरीका है, क्या करना है आपको कि मैं इसको मिटाता हूं फिर आपको दिखाता हूं कि ये किस टाइप से चलता है, ठीक है। ओके, देखिए आपको क्या करना है, एक इस टाइप से बॉक्स ले लीजिए और ये जो सिलिकॉन है ये एक स्ट्रक्चर में इस टाइप से बंधे हुए हैं, देखिए इस टाइप से सिलिकॉन स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं, ठीक है। उतना अच्छे से नहीं बन रहा है पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसको मैंने पॉजिटिव दिया और इसको मैं नेगेटिव दिया। अब ये पॉजिटिव है तो इस साइड में क्या मूव करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। और जो आपके होल है वो किधर मूवमेंट करेंगे, आपके इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ये इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ये इधर मूवमेंट कर रहे हैं, तो होल की डायरेक्शन, होल करंट जो होगा वो किस साइड मूव करेगा, आपका राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, आपके लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। तो इससे एक ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि हीट एनर्जी कहां पास में दी जा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन जाता है इससे, और इस ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब इसकी पोटेंशियल को हम हाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी जगह खाली करते जाएगा और इस तरीके से होल करंट इधर मूव होता जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई होल करंट अलग से होता नहीं है, सिर्फ ये इमेजिनरी है कि ये इधर मूव हुआ तो ये जगह खाली हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड होते जा रहा है।
ठीक है, बहुत सिंपल सा था. सो दिस इज इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर. तो चलिए इसी तरीके से एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर को समझते हैं कि एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर अलग से नहीं मिलता है, हमको उसको बनाना पड़ता है. चलिए देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं. आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. ओके, तो अगला है हमारा एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर. एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में हमको क्या करना है, एक्सट्रेंसिक मतलब कि एक्सटर्नली उसको इफेक्ट हो रहा है कहीं से. ठीक है, अब एक्सटर्नली इफेक्ट करने के लिए हमारे पास में दो सेमी कंडक्टर होते हैं. पहला होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप. ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, एन टाइप का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, और पी टाइप में होल की क्वांटिटी मतलब बढ़ जाती है. ठीक है, अब ये कैसे करें हम लोग, तो बहुत सिंपल सा है. हम क्या करेंगे, सिलिकॉन को, क्योंकि इसके सिलिकॉन जो है हमारा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ानी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाना है तो मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसको पेंटा वैलेंट भी बोलते हैं, पेंटा वैलेंट. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स हमको निकाल के रखने हैं कि जिसके पेंटा एलिमेंट्स हो. तो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर देखिए, एन टाइप. ठीक है, तो सेंटर में ये आपका रहेगा कोई भी एक पेंटा वैलेंट. ठीक है, और इसके चारों तरफ में इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनाना है. ये ठीक है, तो ये है सिलिकॉन, ये भी है सिलिकॉन, ये भी है सिलिकॉन और ये भी है सिलिकॉन. तो ये सिलिकॉन है तो एक दो तीन चार, ये सिलिकॉन है तो एक दो तीन चार, ये सिलिकॉन है तो एक दो तीन और इसमें से कोई एक चार, ये सिलिकॉन है तो एक दो तीन चार. अब बीच में जो है वो पेंटावैलेंट है, मतलब पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में है. तो एक दो तीन चार, एक अभी भी बच गया, एक बच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है, क्योंकि इसके पास बॉन्डिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, फ्री हो गया. जब ऐसा होता है तब इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग एन टाइप सेमी कंडक्टर. ठीक है, तो पेंटावैलेंट जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, मोस्ट फेमस आर्सेनिक, एंटीमनी और भी इस टाइप के काफी सारे होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों के दोनों पेंटावैलेंट है. और भी आपके अगर पीरियोडिक टेबल में कोई है तो आप यहां पर इसमें इसको पुट करके चेक कर सकते हैं. मोस्ट फेमस वैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. अब देखिए, तो जब देखिए यहां पेंटावैलेंट और यहां पास में आपके सिलिकॉन है, मतलब एक्सटर्नली इसको इफेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि सिलिकॉन जो है आपका, ठीक है, सिलिकॉन जो है आपका वो इंप्योर हो गया, प्योरली था इंट्रेंसिक में, अब इसमें हमने एंटम समझ लीजिए आर्सेनिक को मैंने जोड़ दिया. जब आर्सेनिक को मैंने जोड़ दिया तो इसका पांच थे और ये खराब हो गया इसके चक्कर में. ठीक है, मतलब इसमें इंप्योरिटी आ गई, इंप्योर हो गया या इंप्योरिटी आ गई. तो इंप्योरिटी आने को ही हम बोलते हैं डोपिंग, मिक्सिंग करना. ठीक है, बहुत फेमस वर्ड है डोपिंग, कि हाउ द डोपिंग विल बी बिहेवियर, मतलब हाउ द डोपिंग विल बी क्रिएटेड टू द सिलिकॉन, मतलब कैसे डोपिंग को हम कर सकते हैं सिलिकॉन के साथ में. तो बहुत सिंपल सा है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीजिए, इसका पेंटावैलेंट ले लीजिए. ठीक है, और ये इसके साथ में इसका कोवैलेंट बॉन्ड करा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. तो इसका मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया. और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, बहुत सिंपल सा है. तो इसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बन सकता है, सेमी कंडक्टर.
पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या चाहिए हमको, आपको होल की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका पेंटा की जगह ट्राइवेलेंट हो। क्या हो? ट्राइवेलेंट हो। ट्राइवेलेंट का मतलब कि इसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और इसके पास चार है, तो एक जगह खाली रहने वाली है और वो होल का बन जाएगा आपका पॉइंट। तो देखिए किस टाइप से है, प्लस थ्री। कौन कौन से ले सकते हैं? मोस्ट फेमस गैलियम, और उसके बाद बोरॉन को भी लिया जाता है, मोस्ट फेमस गैलियम, ठीक है। तो यहां पास में आपका प्लस थ्री लीजिए, ठीक है। और यहां प्लस थ्री लिखने का कारण यह है कि जो बोरॉन है उसके अंदर में पांच, आपका जो प्रोटॉन है वो पांच का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए प्लस फाइव लिखा जाता है। यहां पास तीन है खाली बोरॉन के पास में, इसलिए तीन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसलिए प्लस थ्री लिखा जाता है, ठीक है। कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो प्लस थ्री का पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन में, इसलिए प्लस थ्री लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर, एक दो तीन चार, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। हर सिलिकॉन अपना काम कर चुका है, सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ चुके हैं। अब बचा है बोरॉन या फिर गैलियम की बारी, प्लस थ्री वाले की बारी। तो इसके पास एक यहां लगा दिया, एक दूसरा यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा दिया, ये जगह आपका खाली रह गया और ये जगह को हम बोलेंगे होल। जब होल आपका ज्यादा हो गया, मतलब यहां पास में एक जगह खाली रह गया, तो ऐसे वाले बॉन्डिंग को हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इतना इजी था ये पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो इसको अब अगर हम लोग एनर्जी लेवल के डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तब भी बहुत सिंपल है। देखिए किस टाइप से बनता है ये, इसको हम बोल सकते हैं वैलेंस बैंड, और ये है आपका कोवैलेंट सॉरी कंडक्शन बैंड, और ये है आपका एनर्जी गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप यहां ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ खाली तो है नहीं, और इसको अगर हम अब एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, यहां से ये तो मूव हो ही रहा है, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकालेगा और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा एन टाइप से। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में बिहेव करेगा। अब इसके पास होल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसे वाले को ये एक पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर रखता है, ठीक है। ये होल का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है, ये इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका कम है, तो जब ऐसा है तो ये एक पॉजिटिव टाइप का बिहेवियर रखता है। तो ये कैसा रहेगा इसका एनर्जी बैंड गैप, देखिए ये आपका वैलेंस हो गया और ये हो गया आपका कंडक्शन, तो यहां एक होल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और बाकी इसको अब एनर्जी देंगे तो इसका प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब कि इंट्रिंसिक वाले टाइप में, कि जब हम इसको आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हीट एनर्जी दें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा और मूवमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। अब पी टाइप भी मिल गया और एन टाइप भी मिल गया और पी टाइप भी मिल गया, तो अब इसका यूज करें तो करें कैसे। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला वीडियो जिसके ऊपर बेस रहेगा, जो है पी एन जंक्शन। कैसे हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करें, और मोस्ट फेमस नेम ऑफ पी एन जंक्शन इज डायोड, ठीक है। तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है और बहुत ही फेमस डिवाइस है, ठीक है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डायोड है और इसके साथ में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, काफी चीजें। आपके घरों में जो डीसी कन्वर्जन होता है वो भी इसी डायोड से होता है, मतलब एसी जो डीसी जितने भी आपके मोबाइल चार्जर हैं सब में इस डायोड का यूज होना ही होना है,
ठीक है, और वो कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया होगा। इस आपके मन में और भी कोई डाउट्स आ रहे होंगे, आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा होगा कि ये भी पूछना चाहिए, तो बेझिझक बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा आपके मन में कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल पूछिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।